खर मास शुरू हुआ है, अब से एक महीने तक, आज 16 से लेके 14 जनवरी तक अब कोई लगन मतलब शादी, मुंडन, नई गाड़ी का खरीदना, नए मकान का टोकन देना, गृह प्रवेश करना, ये सब आज से एक महीने तक निषेध हो गया। और खर मास का सरल सहज अर्थ बताना चाहूँगी कि खर मतलब गधा, और भगवान सूर्य नारायण के जो रथ हाँकते हैं वो घोड़े हाँकते हैं, पर आज से एक महीने तक घोड़ों को विश्राम मिलता है। भगवान सूर्य नारायण उनको रथ से अलग करते हैं और घोड़े की जगह किसको रखा जाता है, गधे को। जो गधे रथ में आते हैं, खर रथ में आते हैं, तो रथ की गति धीमी हो जाती है, जयराम जी की। तो गति धीमी होने से जो नए देवी कार्य हैं, मंगल कार्य हैं, वो नहीं किए जाते हैं, क्योंकि सूर्य के जो प्रकाश होता है उसमें, आपकी भाषा में कहूँ, खूब तेज और बल नहीं होगा, क्योंकि उनकी गति कैसे होगी, धीमी होगी। अब इस खर मास को वरदान समझें, क्या समझें, इस खर मास को आप वरदान बना सकते हैं, और इस खर मास से एक सिद्धांत को समझें कि नवग्रहों के दाता भगवान सूर्य, सबसे आदि भगवान सूर्य, आदि नारायण कहते हैं, सूर्य भगवान कहते हैं, सहस्त्र किरणाय कहते हैं, हिरण्य गर्भाय कहते हैं, ऐसे भगवान सूर्य को भी वर्ष में एक बार घोड़ों को हटाकर किसके साथ चलना पड़ता है। मैं आज ये प्रसंग पढ़ रही थी तो अपने मन को समझा रही थी कि भगवान सूर्य को भी कई बार, आपकी सरल भाषा में कहूँ तो एडजस्टमेंट, और शुद्ध भाषा में कहूँ तो समझौता, भगवान सूर्य को भी तो करना पड़ रहा है। प्रथम सूर्य, सृष्टि का आधार सूर्य, नारायण का स्वरूप सूर्य, गति सूर्य, प्राण सूर्य, चेतना सूर्य, जो कहो वो सूर्य। सूर्य उदय तो दिन, सूर्यास्त तो खेल खत्म। ऐसे भगवान सूर्य को भी खर मास लागू हो रहा है, इसलिए मैंने जो आज पढ़ा हुआ आपके आगे रख रही हूँ कि इस महीने में विशेष सूर्य की उपासना करनी चाहिए। तो विशेष में हम क्या करें, तो एक गायत्री मंत्र की माला ये पूरा महीना करना चाहिए, और ये पूरा महीना गुड़ डाल के भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, और ये पूरा महीना 10 बजे से पहले प्रयास करके जल चढ़ा गुड़ डाल के। और एक अद्भुत अनुभव आज मैंने पढ़ा है इसमें कि अगर कोई चाहता है कि खर मास से मुझे कोई हानि ना हो, खर मास से मेरा स्वास्थ्य न बिगड़े, तो उसके लिए लिखा है कि इस महीने में गधे को कुछ खिलाओ। जयराम जी की, मैं मन से नहीं बोल रही हूँ, मैं दिखा सकती हूँ आपको पुष्ट। तो आज ये पढ़कर बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि भगवान की सृष्टि में सबकी जगह है। बोलो, भगवान की सृष्टि में सबकी जगह है।